मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर आज एकजुट हुए उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिए राशन डीलरों का कहना है कि 7 महीने से उन्हें खाद्यान्न वितरण का कमीशन नहीं मिला है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है, जिसका उचित दर विक्रेताओं को शासन से मिलने वाला है। कमीशन का पिछले 7 महीने से कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उचित दर विक्रेताओं के परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारी उचित दर विक्रेताओं ने जून के राशन वितरण से पहले बकाया कमीशन और मानदेय के भुगतान करने की मांग की है। साथ ही उनकी मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। हमारी मुख्य मांग है, 7 माह से हमसे वितरण कराया जा रहा है और अभी तक हमारा बकाया कमीशन की धनराशि नहीं दी गई है। माह नवंबर 2022 में ई चलान के द्वारा सारा पैसा जमा करा लिया गया था सारे कोटेदारों का, और उसका भी अभी तक 7 महीने बीत जाने के बाद वापस नहीं किए हैं जी। क्या मांग है, मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि हमारा पहले धनराशि वापस कराई जाए जो जमा की गई है, और 7 माह का कमीशन दिलाया जाए, और आंगनवाड़ी, मिड डे मील, MDM उसका भी भाड़ा आज तक नहीं दिया गया। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अगर जून से वितरण से पूर्व हमारा कमीशन मानदेय वगैरह नहीं दिया गया तो हम लोग वितरण बंद कर देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे।